हेलो बच्चों, ये हमारी मैग्नेटिज्म मतलब इसलिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की तीसरी क्लास है। तो इस क्लास की शुरुआत हम लोग एम्पियर सर्कुटल लॉ से शुरू करने जा रहे हैं। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ को अगर हम लोग एक नज़र से देखें तो बेसिकली ये गॉस लॉ जैसी चीज़ है। ठीक है, तो पहले समझाता हूँ गॉस लॉ की ब्यूटी क्या थी। गॉस लॉ की ड्यूटी ये थी कि मान लो मेरे पास कोई सिमेट्री सी सिचुएशन थी। गॉस लॉ वैसे हर जगह एप्लीकेबल था, बेसिकली क्या कोई भी बॉडी हो उसके लिए इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज सर्फेस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब कोई सिमेट्री सी सिचुएशन आ जाती थी तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज कर लेते थे। तो बेसिकली वो मुझे कहीं पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट करना या कहीं लाइन चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट करना या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गॉस लॉ आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका था। ठीक उसी तरीके का एक लॉ यहाँ पर एम्पियर ने दिया जिसको एम्पियर सर्कुटल लॉ कहते हैं। एम्पियर सर्कुटल लॉ बहुत ही बेसिक सी बात है, बस खाली गॉस लॉ से किस तरीके से डिफरेंस है। गॉस लॉ में हम लोग एक क्लोज्ड थ्री डायमेंशनल सरफेस लेते थे। यहाँ पर ये कह रहे हैं सपोज करो कोई मैं लूप ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये एक लूप ले लिया, सी वाला ये जो लूप लिया था, ये जो ये वाली लाइन। ठीक है, जी और सर, इस लूप के ऊपर अगर मैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल कर लूँ, मतलब यानी कि छोटे छोटे स्टेप में चलूँ और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँ और ऐड करते करते पूरा लूप घूम करके वहीं आ जाऊं जहां पर वापस आ जाऊं। तो देखो ये इंटीग्रल साइन के ऊपर ये जो गोला लगा दिया है इसका मतलब है इट इज इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप। ठीक है, तो बी डॉट डीएल का मतलब है बी का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट, और ऐसा बी के साथ डीएल के साथ जो डॉट प्रोडक्ट उसको ऐड करते रहे ओवर अ क्लोज लूप। तो ये कहते हैं कि सपोज करो मेरे पास, पता नहीं तुमको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं, सपोज करो ये एक क्लोज लूप है तो ये हमेशा एक सरफेस बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं अपना मोबाइल फोन ले लूं तो अगर मोबाइल फोन की बाउंड्रीज को मैं एक क्लोज लूप मान लूं तो जो मोबाइल फोन है ये सरफेस बनाएगा। ठीक है, तो इस बाउंड्री पे अगर मैं गोल गोल चल करके इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालूं तो उसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज हो जाएगी। मतलब वो करंट जो इस सरफेस के थ्रू जा रहा है वो इस इंटीग्रल बी डॉट डीएल में कंट्रीब्यूट करेगा, और कोई ऐसा करंट एलिमेंट जो इस सरफेस से दूर से निकल जा रहा है वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं तो सपोज करो मेरे पास एक ये रेक्टेंगुलर सा लूप हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, मान लो ये ए बी सी डी, तो इंटीग्रल ए बी डॉट डीएल का मतलब है बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, और फिर ऐसे ही इंटीग्रल बी डॉट डी एल, और मैं यहाँ पे ऐसे एरो नहीं लगा रहा हूँ ढंग से, मुझे ऐसे एरो लगाना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली ये डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, फ्रॉम बी टू सी और फिर ऐसे ही सी टू डी और फिर ऐसे ही प्लस डी टू ए। तो क्लोज लूप का मतलब हुआ मैं ए से बी से सी, सी से डी और डी से ए गया। तो ये जो इसका इंटीग्रल का जो टोटल चारों पार्ट का सम होगा इसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो यहां पर एक करंट एलिमेंट है जो बाहर आ रहा है और इसकी वैल्यू मान लो 2 एम्पीयर। कोई दिक्कत? नहीं और नहीं एक नहीं और करंट एलिमेंट है जो अंदर जा रहा है, इसकी वैल्यू 5 एम्पियर है। ठीक है, जी और इसके अलावा यहां पर साइड में एक और करंट है जो बाहर आ रहा है जो 1 एम्पियर का है, और यहां पर साइड में एक एलिमेंट है वायर है जो कि करंट इसके अंदर ले जा रहा है, ये 4 एम्पियर का। ठीक है, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल ए बी सी डी के लिए जब मैं आई एनक्लोज देख रहा हूं इसमें 4 एम्पियर और 1 एम्पियर वाला करंट तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा बिकॉज वो एनक्लोज नहीं है, वो ए बी सी डी सरफेस के थ्रू नहीं क्रॉस क्रॉस कर रहा है, ए बी सी डी सरफेस के बाहर क्रॉस कर रहा है। तो वहां पर कोई
करंट एलिमेंट हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं है। ये वैसी ही बात है जैसे गॉस लॉ में अगर कोई चार्ज बाहर रखा होता था तो उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, जी यहां तक तो कोई जी दिक्कत नहीं है। अब नहीं दूसरी बात क्या है, ये जो दोनों करंट हैं जो कि अंदर हैं, इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसे बार बार बेटा मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा। अगर मैं राइट हैंड रूल लूं, मतलब जो मेरा ए बी सी डी जो मेरा पाथ है, अगर मैं ए से चल करके बी से होते हुए सी डी ऐसे चल के आऊं, ऐसे गोल गोल अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे क्लॉकवाइज टर्न कराऊं, तो मेरा थंब इन टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन जा रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर, दाहिने हाथ जी को सर, की उंगलियां अगर ए बी सी डी ए के अबाउट चलाऊं तो अंदर जाने वाला जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो आई एनक्लोज्ड में जो ये अंदर जाने वाला 5 एम्पियर का करंट है इसको +5 लिखेंगे, और जो बाहर निकलने वाला 2 एम्पियर का करंट है इसको -2 लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर जो मेरा पाथ है उस तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूं तो जो थंब के अलोंग करंट है उनको पॉजिटिव ले लेंगे, और जो थंब के अगेंस्ट वाला डायरेक्शन है उसमें अगर क्या कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल में इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू 3 हो गई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी नहीं को? सर, अब नहीं इसको सर, एनसीआरटी में समझा देते हैं। ठीक है, तो ये जो एम्पियर ने रूल दिया है, तो जैसे वहां पर हम लोग जो गॉसियन सरफेस थी उसको गॉस के नाम पे गॉसियन सरफेस कह देते थे, ऐसे यहाँ पे जो 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 लूप बना उसको एम्पीरियन लूप बोल देते हैं। ठीक है, और इस एम्पीरियन लूप में हम ये जो एम्पियर्स लॉ है लगा तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन ये यूजफुल तभी होगा जब मामला सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पहली बात तो क्या है कि बी जो होगा वो इट शुड बी टैंजेंशियल टू द लूप। ठीक है, जहां पे बी टैंजेंशियल होगा वहां पे क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल की वैल्यू बी डीएल हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं ठीक है, ठीक है ना? तो कह रहे हैं सर, मैं ऐसा लूप बनना चाहूंगा कि या तो लूप के लिए बी टैंजेंशियल हो, टैंजेंशियल हो तो बी डॉट डीएल को बी डीएल लिख लेंगे, जैसे वहां पर ई डॉट डीए को ई डीए लिख लेते थे, या फिर बी जो हो वो नॉर्मल टू द लूप हो ताकि बी डॉट डीएल 0 ही हो जाए, और या फिर तीसरी बात बी ही 0 हो जाए। ठीक है ना, मतलब बेसिकली जो मेरा इंटीग्रल है उसको बी डॉट डीएल को डॉट प्रोडक्ट लगा करके मैं बी इंटू एल फॉर्म में लाना चाहता हूँ। चलो मैं आगे चल करके आऊंगा तो बताऊंगा। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे जो म्यू इंटू आई इनक्लोज हो जाएगा, उसमें वही बात समझा रहे हैं कि आई इनक्लोज का मतलब क्या है, इसके चक्कर में ना पड़ो, तो बहुत ढेर सारी बातें लिखी है, जो बात मैंने बताई वही अल्टीमेटली बात है। अब क्या कहते हैं, इस एम्पियर्स लॉ का यूज हम लोग दो तीन तरीके से करते हैं, तो धीरे धीरे करके मैं बता देता हूँ। उन्होंने बहुत ढेर सारे पॉइंट बना करके लिखे हुए हैं। इसका सबसे सिंपल रूल है यूज है वो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक है, मेरे को हाथ से ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सपोज करो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आई करंट कैरी कर रहा है, और यहां से आर दूरी पर मुझे कोई पॉइंट पी है जिसपे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो पीछे हम लोग बायोट सावर्ट लॉ से देखें तो हमने देखा था कि मान लो यहाँ पर छोटा सा एक एलिमेंट ले लूं डीएल, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगी वो डीएल क्रॉस ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है ना, इस डीएल से पी को जोड़ने वाली लाइन थी, उसकी वजह से डीएल क्रॉस आर की वैल्यू यहाँ पर इन टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। ठीक है, और ऐसे ही सारे जो एलिमेंट होंगे उनकी वजह से डीएल क्रॉस आर की वैल्यू इन टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, तो हमेशा जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टैंजेंशियल होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आर ही रेडियस का एक सर्कल बना लिया।
ठीक है। तो आर रेडियस के सर्कल में बनाने से क्या हुआ कि इस पॉइंट पे हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल ही होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। तो पहला काम मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज सिंपली हेलो इंटीग्र हेलो मैं कह सकता हूँ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज सिंपली बी डी एल, बिकॉज डी एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। यहां तक कोई समस्या? दूसरी बात मैंने कही कि यार क्योंकि सारे ही पॉइंट आर दूरी पर हैं, इसलिए सब जगह बी का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, मतलब देयर इज नो रीजन कि यहां पर पी पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो और इधर उल्टी तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो, सब चीजें सिमेट्रिक ही हैं। ठीक है, अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसके लिए तो हर दिशा एक ही जैसी है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल को बी इंटीग्रल डी एल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग वो स्फीयर की वजह से फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी ए को ई बाहर निकाल करके इंटीग्रल डी ए कर लेते थे, याद है, गॉस लॉ में। जी और अब बी इंटीग्रल डी एल की वैल्यू बी इंटू 2 पाई आर हो गई। ठीक है, बिकॉज पूरे सर्कल में चलोगे तो इंटीग्रल डीएल का मतलब बेसिकली सर्कमफेरेंस हो गया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि इस सर्कल को क्रॉस करने वाला करंट कौन सा है, आई ही है। ठीक है, और अगर मैं अपनी थंब के अगर अपने राइट हैंड की फिंगर्स के अलॉन्ग जो पाथ लेके चलूं तो जो मेरा थंब है वो अलॉन्ग द करंट है, यहां से सिंपल बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर से रिविजिट करते नहीं। हैं, बेसिकली क्या हुआ, एम्पियर्स लॉ जो है वो किसी भी लूप के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम कोई भी लूप नहीं लेंगे, हमको एक इनफाइनाइट वायर जिसके लिए हम सिमेट्री कंडीशन ले सकते थे। मान लो ये वायर ऐसा, मान लो ये वायर साइड में ऐसा ऐसा वायर होता तो हमको पता ही नहीं थी कि कहाँ पे स्पेस में किस फील्ड कहाँ पे होगी, तो हम उसके लिए एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया जिसके लिए हमने कहा आर दूरी पर सब जगह फील्ड एक बराबर होगी। ठीक है, आर दूरी पर अगर फील्ड एक बराबर है तो और टैंजेंशियल होगी, टैंजेंशियल होने की वजह से बी डॉट डी एल की वैल्यू बी डी एल कॉस 0 की वजह से बी डी एल हो गई, और फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से बी बाहर निकल आया, तो बी इंटू 2 पाई आर हो गया, जिसको म्यू नॉट आई से इक्वेट करके पी की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, तुमको जी मालूम है पिछले वाले फॉर्मूले में मेरी बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 आर आई थी, जब मैं करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर फील्ड निकाल रहा था, तो बेसिकली डायमेंशनली फील्ड को म्यू नॉट आई बाई लेंथ ही होना चाहिए, कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर भी उसी तरह का डायमेंशन हो गया, यहाँ पर नीचे बता दिए कि पाई वाला एलिमेंट अलग है। ठीक, जी अब यही जो बातें हैं इन्होंने इन्होंने कही कि क्या कहते हैं भाई, देखो पहली बात तो क्या है, यहाँ मैं एम्पियर लूप इसलिए लगा पा रहा हूं कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, यानी कि आर दूरी पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड एक बराबर होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कह रहे हैं कि जो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टैंजेंशियल है। ठीक है, टैंजेंशियल की वजह से जो मेरा बी डॉट डी एल है उसको मैं बी डी एल लिख पा रहा हूँ, और फाइनली जो मेरा एंड रिजल्ट निकल करके आया वो ये निकल करके आया कि हालांकि मेरा वायर इनफाइनाइट है, लेकिन उसकी वजह से जो फील्ड है वो इनफाइनाइट नहीं है बल्कि फाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि अगर हम वो याद हो तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल रहे थे तो भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड जो थी वो इनफाइनाइट नहीं थी, वो फाइनाइट। तो ये कह रहे हैं फाइनली हम एक काम ये कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका इन्होंने ये बता दिया कि फिर से ध्यान से देखो, अगर मैं थंब को अलॉन्ग द करंट रखूं तो जो मेरी फिंगर है वो अलॉन्ग द फील्ड कर लूंगी, अगर मैं अपना राइट हैंड रूल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात हम लोगों को छोटी क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग कि आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और डायरेक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। नहीं।
अब इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल 4.8 किया, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, खूब पूछा जाता है इसको, मैं थोड़ा मन कर रहे हैं इसके बाहर कर देते, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 4.8 करने से पहले मैं दूसरा सवाल जल्दी से रिवाइज करा देना चाहता हूँ, ताकि तुम लोगों को याद आ जाए मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो बेसिकली सवाल ये था कि एक सॉलिड स्फीयर था, ठीक है, जिससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी। जब मैं आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ले लेता था, तो यहाँ पे आ जाता था ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट r² आ जाती थी, ठीक है। और जब आर लेस देन कैपिटल आर होता था, तो मैं कह देता था ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बार क्यू इन की वैल्यू कैपिटल क्यू नहीं होगी, बिकॉज अब मैं जब आर रेडियस का स्फीयर बनाऊंगा तो खाली थोड़ा ही चार्ज अंदर आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती थी क्यू आर बाई कैपिटल आर का क्यूब अपॉन एप्साइलन नॉट। मैं डेरिवेशन सारा नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का रिजल्ट आ जाता था, जिसकी वजह से ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, ऐसा रिजल्ट आ जाती थी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाती थी, कि एज अ फंक्शन ऑफ आर पहले लीनियरली बढ़ती हुई आती थी और बाहर 1/r से घटती हुई आती थी। ये रिजल्ट हम लोगों ने जैसा गॉस लॉ में पहले किया था, एग्जैक्टली ऐसा ही काम एग्जाम्पल 4.8 में करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल 4.8 में कह रहे हैं कि सपोज करो मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। अब जो मेरा पिछला डेरिवेशन था उसमें बदतमीजी क्या कर ली थी, कि हमने वायर के डायमेंशन का ध्यान नहीं दिया था, पर वास्तव में वायर की भी तो एक कोई फाइनाइट थिकनेस होगी, ठीक है ना। तो जो जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है, और मुझे इसके अराउंड फील्ड निकालनी है। तो केस वन हो जाएगा जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट पी जो है वो कहीं यहाँ बाहर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आसान सी बात हो जाएगी, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखूंगा, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल तो बी इंटू 2 पाई आर ही होगा, बिकॉज रेडियल सिमेट्री और टेंजेंशियल वाले कंसेप्ट की वजह से, मतलब बी डॉट डी एल बी डी एल हो जाएगा, और फिर बी डी एल की वैल्यू बी कॉन्स्टेंट होकर के 2 पाई आर के साथ मल्टीप्लाई होकर बी इंटू 2 पाई हो जाएगी। और यहाँ पे म्यू नॉट आई की वैल्यू म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट, मतलब अगर इसमें जो करेंट है वो आई फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट आई हो जाएगा, इसलिए बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगी। यानी कि जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में क्या हो रहा था कि सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड वैसे ही थी जैसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से थी, ऐसे ही मोटे वायर की वजह से भी फील्ड एक्सटर्नली उतनी ही होगी जैसे इनफाइनाइटली थिन वायर की वजह से होती। ये बात क्लियर है? यानी कि क्योंकि पूरा का ओके पूरा सर, वायर एम्पियर लूप के अंदर से ही पास हो रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि वायर की थिकनेस कितनी है, फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल r ही हो जाएगी, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 1/r से वैसे ही वेरी करती रहेगी, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा पार्ट देख के चलते हैं, जिसको एक्चुअली जी मुझे सर, पढ़ाने की जरूरत है, पहला वाला पार्ट उस वैसा ही है जैसे पहले वाला था, अपने आप तुम लोग निकाल भी लोगे जब सॉल्व एग्जाम्पल लोगे, बच्चे फंसते जिसके हैं उस वाले पार्ट में करते हैं। जब दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है, तो इस बार मेरा ये जो पॉइंट पी है ये इसके अंदर है, यानी कि मेरा पॉइंट पी कहीं यहां बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो मेरा एम्पियर्स लूप है वो कुछ ऐसे छोटा सा लूप है, ठीक है। तो इधर तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू जी पहले की तरह से ही बी इंटू 2 पाई स्मॉल r आएगी, ठीक है। लेकिन इस बार जो मैं म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज करूंगा, उसमें ये आई एनक्लोज आई नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा करंट इस लूप के अंदर से नहीं जा रहा होगा, थोड़ा सा करंट साइड से निकल जा रहा होगा, ठीक है ना। हाँ तो यहां पर मेरा रिजल्ट म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल r नहीं जी सर, आएगा, ठीक है। अब समस्या ये आई कि भाई अगर वो नहीं आएगा तो मैं इस आई एनक्लोज को कैसे निकालूं। तो
हम लोगों ने पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कंसेप्ट पढ़ा था करंट डेंसिटी का। यहां पर जो करंट डेंसिटी जे हो जाएगी वो टोटल करंट अपॉन पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी, है ना। करंट जो है वो पूरे एरिया पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होकर के चलता है। ये बात याद है करंट डेंसिटी में पढ़ी थी, करंट वाले चैप्टर में। तो इसका मतलब जो आई एनक्लोज हो जाएगा वो हो जाएगा जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि जितना छोटा तुम अंदर वाला सर्कल लोगे उतना ही कम करंट उसके थ्रू पास हो जाएगा। और जे की जगह पर अगर मैं ये वाली वैल्यू डाल दूं तो बेसिकली मेरे आई एनक्लोज की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आई इंटू आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इनक्लोज जो करंट है वो जितना छोटा रेडियस लोगे उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता चला जाएगा। अब अगर मैं बी इंटू टू पाई आर को म्यू नॉट इंटू से इक्वेट करूं तो बी की वैल्यू, मैं दो स्टेप एक साथ कर दे रहा हूं, सॉरी फॉर दॉट दैट, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, नीचे ये आर स्क्वायर रह जाएगा और ऊपर ये वाले आर से इसका एक आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले की तरह से ही, अब अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को समराइज करूं, जो कि तुमको खुद जब अपने आप से ड्राइव करोगे तभी निकल करके आएगा, तो पहले की तरह से क्या हो जाएगा कि अंदर जब तुम वायर के अंदर चल रहे हो तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गई, ठीक है। बहुत तुम लोगों को लगता है बात मेरी समझ में नहीं आई, ठीक है। फिर से अपने हाथ से ड्राइव करके देखना, बेसिकली क्या हो गई, अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल आर इंटू आर बाई कैपिटल आर। ये वैसे ही हो गया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी स्फीयर के अंदर आर के साथ लीनियरली इंक्रीज करती, ठीक है। ये इंक्रीज जाएगी खाली सरफेस तक, और सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी हो जी जाएगी, आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई टू पाई कैपिटल आर, और उसके बाद फिर बाहर ये 1/r से डिक्रीज करने लगेगा। तो अंदर वाले हिस्से के लिए रिजल्ट ये, और ये बाहर वाले हिस्से के लिए आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई स्मॉल आर, ये वाला रिजल्ट ये, ठीक है। तो मेरे पास दो हिस्से हो गए, एक अंदर अंदर और एक बाहर। बाहर वाला तो वैसा ही रहा जैसे पहले इनफाइनाइटली थिन वायर के लिए था, मतलब बिल्कुल पतले वायर के लिए था। अंदर वाले में क्योंकि आई इनक्लोज इस बार आई नहीं रहा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ऐसा नहीं हुआ कि 1/r से वेरी करते करते जब स्मॉल आर को जीरो किया तो वो इनफाइनाइट चली गई, वो लीनियरली इस तरीके से वेरी करने लगी, ठीक है। तो ये मेरा एग्जाम्पल 4.8 में दो रिजल्ट निकल आया। मेरे और एनसीआरटी में भी मैंने ध्यान दिया एक छोटी सी गड़बड़ हो गई कि ये रेडियस को स्मॉल ए लेके चल रहे हैं और मैं रेडियस को कैपिटल आर लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा हमारे दोनों लोगों का एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा, बट आइडिया वही है कि विद इन द वायर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस लीनियरली विद आर, एंड आउटसाइड द वायर इट ड्रॉप्स या इट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जी उसके बाद ये बेटा एक सोलेनॉइड और टोरॉइड का कंसेप्ट आया जिसके बारे में इन्होंने बहुत ढेर सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं इसको इतने डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जो ये जो बेसिकली क्या है कंसेप्ट क्या है, जो सोलेनॉइड क्या है पहले समझते हैं है क्या चीज। मान लो मेरे पास एक ही पेन है और इसके ऊपर मैं वायर लपेट करके कॉइल जैसी चीज बना लूं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो कॉइल होगी रियल लाइफ में, जो कॉइल होगी उसमें एक वायर और दूसरे वायर के बीच में गैप होगा, ठीक है। और अगर एक वायर और दूसरे वायर के बीच में गैप है तो क्या हो रहा है, हर वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही बनेगी जैसे सर्कल बनाती है, ठीक है ना।
बट जैसे मैं वायर से थोड़ा दूर जाऊंगा तो सारे वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड सारे वायर की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होने लगेंगी और उसमें वैसी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी बेसिकली। फिर वो गैप दिखना बंद हो जाएगा जैसे हमारा पीछे एक करंट कैरिंग लूप की वजह से फील्ड बन रही थी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं बहुत क्लोज टू द वायर हूं तब तो मेरा कंप्लीट लूप बन रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अवे फ्रॉम द वायर गया तो सारे वायर्स की फील्ड एक ही दिशा में लगने लगी तो ऐड होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनने लगी। ठीक है, हम अब ये कहते हैं ये जो सोलेनोइड की पिक्चर है ये एक जी रियल लाइफ का सोलेनोइड है, लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई में मेनली इस तरह के सोलेनोइड इसकी इसकी कैलकुलेशन इसकी फील्ड देखो कितनी नॉन यूनिफॉर्म है, इतनी नॉन यूनिफॉर्मिटी को मैथमेटिकली हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिकली जिस तरह के सोलेनोइड की बात करते हैं हम एक आइडियल सोलेनोइड कहते हैं। आइडियल सोलेनोइड ऐसा सोलेनोइड है जिसके अंदर जो वायर्स हैं वो इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर है, मतलब एक वायर से दूसरे वायर के बीच में कोई गैप ही नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज उन्होंने बना ली। ठीक है, तो देखो क्या बना रहे हैं, ये जो एक कॉइल जैसी ही चीज है लेकिन इस कॉइल को इन्होंने आधा काट दिया है। ये फिगर समझ में आ रहा कैसा है? जैसे मान लो मेरे पास कोई पेन होती और पेन को मैंने आधा काट दिया होता बीच में से लंबा लंबा। ठीक है, तो जो करंट कैरिंग लूप है वो ऐसे करंट चल करके जा रहा है, इस वाले साइड से बाहर निकल रहा है जिसको हम डॉट कह रहे हैं और इस वाले साइड में अंदर घुस रहा है जिसको हम क्रॉस कह रहे हैं। एक हाफ है, दूसरा हाफ ऐसे घूम करके आएगा, फिर अगला चक्कर ऐसे से गोल गोल चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा इस तरह के करंट कैरिंग लूप में अगर मैं अपना राइट हैंड रूल लगाऊं इस तरीके से तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो राइट हैंड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है? ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने जी सर, बताई कि जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पैरेलल टू द एक्सिस होगी, और पैरेलल टू द एक्सिस यहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से बताई नहीं है पर मैं तुमको बता देता हूं कि वो कहां से कॉन्सेप्ट निकल करके आया। सपोज करो मेरे पास एक ही सो कॉल्ड जो आइडियल इनफाइनाइट सोलेनॉइड होता है उसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड मानते हैं। तो मान लो मेरे पास एक ही सोलेनॉइड है, ठीक है, इस सोलेनोइड में मैं किसी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट पे जो जी सर, मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जी छोटे सर, छोटे कई करंट कैरिंग लूप की वजह से फील्ड की वजह से हो जाएगी। तो मान लो यहां पर डॉट और यहां पे क्रॉस कैरी करने वाला एक करंट कैरिंग लूप ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे करंट ले जा रहा है और ऐसे वापस लौट आ रहा है। ठीक है ना, ये कैसा लूप है? इस करंट कैरिंग लूप की वजह से अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे याद हो तो एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती थी, साइड में इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन। यहां कोई दिक्कत है? ये मैं इस डायग्राम के बेसिस से बता रहा हूं जो हम लोगों ने कल करंट कैरिंग लूप की वजह से फील्ड लिखी थी, ये वाला डायग्राम। ठीक है ना, बेसिकली जैसे ही मैं एक्सिस से थोड़ा दूर और कोई पॉइंट ये चूज किया, यहाँ पे थोड़ी सी देखो फील्ड तिरछी बाहर की तरफ निकलती होगी बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घूम करके वापस यही आना है। ठीक है ना, तो इसकी इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके की होंगी। किसी को कोई दिक्कत इस बात बारे में? ऐसे 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 चलती हुई ऐसे लूप लाइन बना करके और फिर ऐसे घूम करके। लेकिन ये लोग कहते हैं हाँ सिमेट्री आर्गुमेंट की वजह से जैसे तुमने एक लूप यस इस पॉइंट के इधर लिया है ऐसा ही एक लूप सिमेट्रिकली इस पॉइंट के इधर ले लें तो इसकी वजह से फील्ड होगी वो ऐसे अंदर आती हुई होगी। ठीक है, और ये जो दोनों फील्ड हैं इनके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, खाली यही वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पैरेलल टू द एक्सिस होगी। ठीक है, इतने डिटेल में इन्होंने तो बात नहीं की लेकिन हम लोगों को ये बात बता दिया कि जो एक आइडियल इनफाइनाइट सोलेनॉइड होता है उसके अंदर
जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है पैरेलल टू बैक। ठीक है, तो देखो एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, करें फिगर 4.17 जो कि पिछले वाला फिगर था। डिस्प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ फाइनाइट सोलेनोइड, वी शो अ सेक्शन ऑफ दिस सोलेनोइड इन एन एनलार्ज्ड मैनर इन फिगर 4.17 ए। ऊपर ही जाकर के देख लेता हूँ, ये 4.17 ए में दिखा रहे हैं, एंड फिगर 4.17 बी शोज द एंटायर फाइनाइट सोलेनोइड विद इन मैग्नेटिक फील्ड। इन फिगर 4.17 ए इट इज क्लियर फ्रॉम द सर्कुलर लूप दैट द फील्ड बिटवीन टू नेबरिंग टर्न्स वैनिशेस। इन फिगर 4.17 बी वी सी दैट द फील्ड एट द इंटीरियर मिड पॉइंट पी इज यूनिफॉर्म। तो सेंटर के पास तो फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन किनारे किनारे नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को जो उन्होंने बनाया है इसको सही मान लें, क्योंकि उन्होंने पूरा लॉजिक देकर के नहीं बताया, जैसे मैंने तुमको बताया वैसे लॉजिक देकर नहीं बताया, लेकिन अगर इसको मान लें तो कह रहे हैं कि इंटीरियर में सेंटर पे तो फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन किनारे किनारे पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो द फील्ड एट द एक्सटीरियर मिड पॉइंट क्यू इज वीक एंड मोर ओवर इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड विद नो परपेंडिकुलर और नॉर्मल कॉम्पोनेंट। ठीक है, यहां पर बाहर वाली बात कह रहे हैं, एक्सटीरियर मिड पॉइंट पे फील्ड जो है वो कमजोर है और उल्टे डायरेक्शन। ठीक है, ये सारी बातें कर, एज सोलेनॉइड इज मेड लॉन्गर इट अपीयर्स लाइक अ लॉन्ग सिलेंडर मेटल शीट। फिगर 4.18 रिप्रेजेंट दिस आइडियलाइज्ड पिक्चर। द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड अप्रोचेस जीरो। ठीक है, वी शैल एज्यूम दैट द फील्ड आउटसाइड इज जीरो एंड द फील्ड इन साइड एवरी वेयर इज पैरेलल टू द एक्सिस। तो समस्या क्या है, जैसे मैं अभी तुमको लॉजिक ला करके दिखा रहा था, वास्तव में उसको कैलकुलेट करके दिखाया जाता है कि अंदर फील्ड यूनिफॉर्म क्यों है। एनसीईआरटी में ये हमको करना नहीं सिखाया, इन्होंने हमें ये बात बता दी कि अगर एक मेरा आइडियल सोलेनॉइड होगा तो उसके अंदर फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस और यूनिफॉर्म होगी, उसके बाहर की फील्ड जीरो होगी। ये बात हमको किताब में बता दी गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बिकॉज उसकी जो पूरी पीछे की मैथमेटिक्स है वो बहुत थोड़ी सी मुश्किल है और वो हमारी औकात के बाहर ही, समझिए हमारे सिलेबस के बाहर रहे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर ये अंदर की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर की फील्ड जीरो है, ऐसी फील्ड में मैं ऐसा एक एम्पियर्स लूप लेके चलूं। ठीक है, देखो ऐसा ए बी सी डी ए वाला लूप लेके चलूं, तो इस एम्पियर्स लूप पे क्या हो जाएगा, ए टू बी बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये लेंथ इन्होंने एच लिख ली तो वो हो जाएगी बी इंटू एच। यहां पर क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल है, यहां पर ए से बी जाने में मैग्नेटिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो दोनों पैरेलल है, तो बी डॉट डी एल की वैल्यू बी डी एल है और बी डी एल का इंटीग्रल बी इंटू इसकी जो भी लंबाई है एच इसके बराबर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा है? अब जब बी से सी जाएंगे नहीं, तो बाहर वाले हिस्से में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात ही ना करो, और अंदर वाला जो हिस्सा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, बी से सी ऊपर ऐसे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस की तरफ है, तो यानी कि जो बी से सी तक बी डॉट डी एल की वैल्यू है वो जीरो हो गई। ठीक है, फिर सी से डी तक तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो ही गई, और सेम लॉजिक से डी से जब वापस ए लौट करके आएंगे तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और अंदर वाले पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो गया। तो बेसिकली जो क्लोज्ड पाथ हो गया उस पे इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू बी इंटू एच हो गई, जहां पे h यही a से b की दूरी हो गई। ठीक है, ये मेरा एम्पियर लूप के अलोंग इंटीग्रल b डॉट dl की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें खाली एक ही दिक्कत है कि इस लॉजिक में पूरे में हमने ये माना है कि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो है जो हमें एनसीईआरटी में बता दी गई है, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है ये हमको एनसीईआरटी में बता दी गई है। ठीक है,
कहां से आई, ये हमको अभी उसके झंझट में पढ़ना नहीं है बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एज्यूम करके लिख दिया है इसलिए वो कर लेना है। अब ये तो मेरा हो गया इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू जानी चाहिए थी म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है। अब आई एनक्लोज तो देखो यहाँ पे बहुत ढेर सारे वायर इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, है ना, ऐसे एक दो तीन चार कई वायर हैं, तो ये कहते हैं लेट स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या हो रहा है, सपोज करो एक मैं वायर लेकर के कॉइल जैसी चीज बना रहा हूं, आपस में सट सट करके तार लपेट करके जा रहे हैं, तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में 100 टर्न हो, ऐसा भी हो सकता है 1 मीटर में 10,000 टर्न, ज्यादा वायर हो सकते हैं कम वायर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहां पर यूनिट लेंथ पे स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एच लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन एच। तो जो आई एनक्लोज की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी एन एच की नंबर ऑफ टर्न्स हो गए इंटू आई, जहां पर आई एक वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हो गया। ये बात क्लियर हुई, उस लूप के थ्रू जो ए से जी बी के वाला वो जो लूप था उसके थ्रू कितने वायर निकल रहे हैं, अगर पर यूनिट लेंथ पे स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उस लूप के थ्रू एन एच वायर निकल रहे हैं और हर वायर में आई करंट कैरी कर रहा है। अब इसको अगर मैं बी एच से इक्वेट करा दूं तो ये वाला एच और ये वाला एच कट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई आ गई, ठीक है। यहां पर ध्यान देना स्मॉल एन नंबर नहीं है, स्मॉल एन नंबर पर यूनिट लेंथ है। जैसे फील्ड का डायमेंशन म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता था या म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता था, वैसे यहाँ पे ये एन नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स हाँ पर हाँ यूनिट लेंथ है, तो बेसिकली म्यू नॉट आई बाई लेंथ ही है डायमेंशन, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर एक इनफाइनाइट जी सोलेनॉइड है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट है जो वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं, और तुम कहोगे सर आप हमेशा कहते हो कि एनसीईआरटी के बाहर का रिजल्ट ना याद जी करो, लेकिन फिर भी चूंकि लॉजिकली बहुत आसान है इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ। वो रिजल्ट ये है कि भाई यहाँ तो मैं कह रहा था कि इनफाइनाइट सोलेनोइड, एक रिजल्ट लोग कहते हैं सपोज करो मेरे पास एक बहुत पतला और लंबा सोलेनॉइड है लेकिन मैं मैग्नेटिक फील्ड इसके कॉर्नर पे निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं इनसाइड द सोलेनॉइड नहीं बात कर रहा हूँ, जस्ट एट द एज ऑफ द सोलेनॉइड बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आई कि नहीं समझ आई, हाँ ना, कोई नहीं बोल रहा है। तो लोग कहते हैं जी मान लो ऐसे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी जी सर होती, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं यार जैसे ये सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इधर एक और उतना ही बड़ा सोलेनॉइड और लगा लो, ठीक है। तो फॉर एवरी लूप ओवर हियर यहां पर एक नया लूप हो गया, तो ऐसे ही बी और बी ऐड होकर के यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 2B हो गई, और 2B को म्यू नॉट स्मॉल एन आई से इक्वेट कर दें बिकॉज अब तो ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के बीच का पॉइंट हो गया, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 ni हो जाएगी। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो मेरे पास सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड है यानी कि अगर मैं एज पे बैठ करके फील्ड देख रहा हूं, तो मैं उस सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड को जब सोलेनॉइड बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब ऐसे दो सोलेनॉइड आपस में जोड़ूंगा, तो उसके अंदर की फील्ड म्यू नॉट स्मॉल एन आई हो जाएगी, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 ni हो जाएगी। तो बेसिकली आइडिया क्या हो गया कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर की फील्ड म्यू नॉट स्मॉल एन आई और बिल्कुल सोलेनॉइड के एज की फील्ड म्यू नॉट स्मॉल एन आई बाई 2, ठीक है। ये दो रिजल्ट आ गए सिमेट्री कंडीशन की वजह से, म्यू नॉट एन आई बाई 2 और म्यू नॉट एन आई बाई 2 जुड़ करके म्यू नॉट एन आई दे देंगे, ठीक है। और ऐसे इस वाली साइड पे भी ये एज के पास अगर देखेंगे तो ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 ही हो जाए, ठीक है। कोई हाँ ना नहीं बोल रहा है, सन्नाटे में हो गया मामला, ठीक है। तो जो आधा जी सोलेनॉइड है उसकी वजह से फील्ड आधी हो जी जाती है अगर मैं एज पे खड़ा होकर के देख रहा हूं, बेसिकली आइडिया ये।
उसके बाद इन्होंने एक ये दूसरा फिगर बना लिया, इसको ये कहते हैं टोरॉइड। ठीक है, तो टोरॉइड बेसिकली सोलेनॉइड जैसी ही चीज है, बेसिकली एक कॉइल है, लेकिन उस कॉइल को हमने क्या किया है, एक लंबे पाइप पे ना ना, ना लपेट करके हमने एक रिंग जैसी चीज ले ली है, उस पे इसको क्या कहते हैं वायर टर्न करके लपेट रखी। ये बात क्लियर है क्या हुआ? एक ये रिंग जैसी चीज थी, ठीक है, जैसे मेरी उंगली है, और इसके ऊपर वायर लपेट रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्प्रिंग को तुमने गोला बना दिया एक तरह से मोड़ करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि एक छोटा सा डेरिवेशन किया जिसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो कह रहे हैं कि बेसिकली अगर टोरॉइड को मैं देखूं, इस रिंग का एक इनर रेडियस होगा, इस रिंग का एक आउटर रेडियस होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने इसमें करंट कैरिंग एलिमेंट बनाए हैं, इसके हिस्से वजह से जो बाहर वाला हिस्सा है वहां पर करंट एलिमेंट डॉट होगा, अंदर वाले हिस्से पे करंट एलिमेंट क्रॉस होगा। ठीक है, देखो ये बाहर डॉट 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 बना लिए, ये बाहर वाले करंट एलिमेंट थे, क्योंकि देखो यहां से करंट बाहर निकल रहा है, एरो ऐसे बना दिया ना इन्होंने, और यहां पर अंदर वाली साइड पे ये क्रॉस बना दिया, इसका मतलब करंट एलिमेंट अंदर जा रहा है। और ऐसे कई ढेर सारे करंट एलिमेंट, जैसे मैंने तो एक ही बनाया, ऐसे बने होंगे, वायर घूम घूम करके आ जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अगर सपोज करो मैं इसके सेंटर से आर दूरी पर एक एम्पियर लूप ले रहा हूं, जहां पे मान लो इसका जो इनर रेडियस है ये ए है और इसका आउटर रेडियस बी है, तो अगर मैं आर लेस देन ए पे ये लूप ले रहा हूं तो इसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, इसलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, बेसिकली जीरो हो अगर मैं गया। आर वन ऐसा ले लूं जो कि टोरॉइड के अंदर है, तो बी वन इंटू टू पाई आर वन एम्पियर्स लॉ लगा देगा, लेकिन इसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां तो कोई करंट ही नहीं है अंदर, इसलिए टोरॉइड के अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आर ग्रेटर देन बी ले लूं, मतलब मेरा लूप ऐसे बड़ा सा हो जाए, तो यहां पर दो करंट एलिमेंट हैं, एक ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो फिर आई एनक्लोज जीरो है, इसलिए भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो मतलब टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब तीसरा केस ले लूं, अगर जो मेरा आर हो वो ए और बी के बीच में लाई करता हो, ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट पी यहां पे पड़े, तो अगर मैं ऐसा सर्कल बनाऊं दोनों टोरॉइड के अंदर अंदर से, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू बी इंटू टू पाई स्मॉल आर हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन आई हो जाएगी, जहां पे कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पे ध्यान देना बेटा कि पीछे स्मॉल एन वॉज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड ले लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ का कोई मतलब ही नहीं हुआ। यहां पर कैपिटल एन का मतलब है कि भाई टोरॉइड में तो नंबर ऑफ टर्न्स फाइनाइट ही होंगे, तो जैसे मेरा ये वाला एक वायर, जैसे मान लो मैंने ऐसे लूप लिया, जैसे ये वाला एक वायर यहां नहीं दिखाता हूँ, यहां दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये जो एस वाला लूप है ना, ऐसा लूप लिया, तो ये बाहर वाले तो करंट एलिमेंट बाहर है, इनको भूल जाओ, लेकिन जो क्रॉस है सारे के सारे, ये तो मेरी एम्पियर सरफेस को काट रहे हैं ना, तो एन अगर नंबर ऑफ ये वायर्स हैं तो एन इंटू आई इंटू म्यू नॉट ये मेरी इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू हो जाएगी, और यहां से बी की वैल्यू म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई टू पाई स्मॉल आर आ गई। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो कैपिटल एन अपॉन टू पाई आर एक तरह से क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, भाई टू पाई आर इस टोरॉइड का सरकमफेरेंस है, ये जो पूरी गोला है टोरॉइड का सरकमफेरेंस वो कितना है, टू पाई आर है, तो कैपिटल एन बाय अपॉन टू पाई आर एक तरह से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट यार। लेंथ है, तो जैसे वहां पर म्यू नॉट स्मॉल एन आई हो रहा था, वैसे यहाँ पे म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई जैसी चीज हो गई, जहां पे स्मॉल एन आई की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
अपॉन 2 पाई आर हो। ठीक, तो बताया कि टोरॉइड के अंदर जी सर, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, दोनों वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगी, जिसको बेसिकली हम लोग म्यू नॉट स्मॉल एन आई जैसी चीजें लिख सकते हैं, बिकॉज कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इज पर यूनिट लेंथ वाली बात आ गई। ठीक है, सौरभ जी सर, चला गया लगता है। अच्छा चल गया। ठीक है, जी इसके बाद ये सर, बेटा मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है, नहीं ये हमारे सर, सिलेबस के बाहर है, इसके बारे में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 4.9 बहुत सिंपल है, कह रहे हैं अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो देखो 1 सेंटीमीटर के सामने 50 सेंटीमीटर की लेंथ बेसिकली इनफाइनाइट सोलेनोइड जैसी बात हो गई। ठीक है, अगर बहुत ही पतली सी कोई रॉड हो जो कि 50 गुना ज्यादा लंबी हो तो वो एक तरह से इनफाइनाइट ही हो गई, एंड इट इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। तो जैसे 500 टर्न्स इन 0.5 मीटर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो हो गया वो 1000 टर्न्स पर मीटर हो गए। अब ये कह रहे हैं इफ इट कैरीज अ 5 एम्पेयर करेंट, वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनोइड। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई लगा करके म्यू नॉट की वैल्यू डाल दी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 लगा दिए, करंट की वैल्यू 5 लेकर के फील्ड 6.28 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। सिंपल से रिवाइज करा दो भैया, सिंपल से 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए बाहर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बाय 2 पाई। अंदर बी इज इक्वल टू बी नॉट लिख दिया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और इसी का एक स्पेशल केस जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने करा दिया, एज पे म्यू नॉट स्मॉल एन आई बाई 2, और इसी चीज को टोरॉइड पे अगर लगा दें तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई बाई स्मॉल आर। ठीक है, जहां पे आर जो है ये वाला रेडियस है सेंटर से की दूरी, जहां पे भी तुम पॉइंट पी को ले रहे हो। ठीक है, ये 4 फील्ड के फॉर्मूले हम लोगों ने निकाल लिए, इन्हीं से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। इन सब चीजों में देखो चूंकि म्यू नॉट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है जो कि 10⁻⁷ है, और करंट को हम लोग बहुत ज्यादा ले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, करंट को ज्यादा करने में जो जूल हीटिंग होती है वो I²R होती है ना, तो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकती है। यहाँ भी देखो जो फील्ड निकल कर आई वो 10⁻³। ठीक है, इसके साथ हम लोग ये क्लास खत्म कर रहे हैं। 4.9 के आगे की चीजें हैं वो अगली क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।